Hi friends, welcome to all of you. Today I am going to discuss about the instruments of democracy. Okay, so instruments see, there are four instruments of democracy. These are namely referendum, plebiscite, initiative, and recall. देखिए, डेमोक्रेसी के चार इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिससे डेमोक्रेसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रिफरेंडम. नंबर सेकंड क्या है? प्लेबिसाइट, ठीक है. नंबर थर्ड क्या है? इनिशिएटिव, ठीक है. और इनिशिएटिव के बाद क्या है? रिकॉल. रिकॉल में क्या होता है कि अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुन के भेजा, ठीक है, अच्छे खासे मतों से वो जीत के गया और उसका कार्य हमें पसंद नहीं आया, ठीक है, वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, उसका कार्य पसंद नहीं आया, तो उसको फिर से वोटिंग के द्वारा, फिर से इलेक्शन के माध्यम से या लोगों का राय जान के उसको फिर से वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है, और उस पद को किसी और के लिए वोटिंग करके चुना जा सकता है, ठीक है. तो रिकॉल ये हुआ. भारत में रिकॉल की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग सिर्फ चुन के भेजते हैं और उसको 5 साल झेल सकते हैं, ठीक है. तो इनिशिएटिव है, ये दो टाइप का हो गया, ठीक है. एक हो गया हमारा पॉपुलर और सिटीजन्स इनिशिएटिव रेफरेंडम. नंबर सेकेंड वन इज एजेंडा रेफरेंडम. देखिए, इनिशिएटिव दो टाइप के हैं, पॉपुलर और पॉपुलर इनिशिएटिव, ठीक है, या इसी को कहते हैं सिटीजन्स इनिशिएटिव और सिटीजन्स इनिशिएटिव रेफरेंडम. ये एक प्रकार का रेफरेंडम ही है, ठीक है. और दूसरा क्या हो गया? एजेंडा रेफरेंडम, ठीक है. और इन दोनों में, इन सबों में क्या क्या मतलब डिफरेंस है, ये मैं एक के बाद एक क्लियर करता हूँ, ठीक है. देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले, इस चारों को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज बता दूं. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने लिखा, ठीक है. तो डेमोक्रेसी क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है. जैसे कि हम लोग जानते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है. ये हम लोग डेमोक्रेसी की परिभाषा जानते हैं. लेकिन डेमोक्रेसी दो प्रकार का होगा. देखिए, डेमोक्रेसी ये दो प्रकार का हो गया, ठीक है. एक हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी दो टाइप का हुआ, एक हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे विश्व में सिर्फ एक कंट्री के द्वारा दिखलाया जा रहा है, ठीक है, वो भी पूरी तरह नहीं, ठीक है, कुछ हद तक. वो कौन सा है? एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड. ठीक है. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो प्रकार का हो गया, ठीक है. एक हो गया प्रेसिडेंशियल, ठीक है, और दूसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री, ठीक है.
प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का एग्जांपल क्या हो गया? यूएसए, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री का एग्जांपल क्या हो गया? इंग्लैंड और इंडिया, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या है, देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, जो माइनॉरिटीज के जो अधिकार है, ठीक है, उसका रक्षा जो उसका प्रोटेक्शन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, बहुत कम रक्षा होगा, ठीक है। और किसके अधिकार पे चलेगा ये, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के, मेजोरिटी का जो मत होगा उस पर ज़्यादा निर्भर करेगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी का नहीं सोचेगा, ठीक है, कि उसका किस प्रकार से प्रोटेक्शन हो या नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनॉरिटीज के अधिकार के लिए खतरनाक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिकन कंट्री कहते हैं, इंडिया इज ए रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड्स होंगे, हर क्लास, हर सेक्शन, हर रिलीजन के को मानने वाले व्यक्तियों के लिए क्या होगा, सेफ गार्ड्स होगा। मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, सबके लिए प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि रिपब्लिकन में क्या होगा, ये रिपब्लिकन कंट्री विल बी रूल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक गाइडलाइंस होगा, एक लॉ होगा, एक सिविल कोड होगा, और एक मतलब कहने का मतलब एक लॉ कोड होगा, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, दोनों ही रहता है। तो एक मतलब लॉ कोड पे जो है सो ये काम करता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे काम करेगा तो क्या होगा, हर मतलब माइनॉरिटीज किसी भी तरह का हो, उसके अधिकारों की रक्षा की बात, गारंटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इसको देख लिया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख लिया और प्रेसिडेंशियल और रिप्रेजेंटेटिव देख लिया, ठीक है। यूएसए भी क्या है, रिपब्लिकन है, यूएसए भी क्या है, रिपब्लिक है। इंडिया और ब्रिटेन ये सब क्या है, इंडिया भी क्या है, रिपब्लिकन है, ठीक है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पे कार्य करता है, ठीक है। चले नेक्स्ट देख लें, अब सबसे पहले हम लोग अब रेफरेंडम से शुरू करते हैं, ठीक है। एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ दिस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द रेफरेंडम। सो सी रेफरेंडम, सी रेफरेंडम इज द अल्टीमेट टूल फॉर द यूज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे रेफरेंडम का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगा, वोटिंग के लिए अगर कोई एजेंडा आया या कोई इश्यू आया, ठीक है, समाज में कोई समस्या आया, तो उसको लेजिस्लेशन बनाने से पहले, उसको लेजिस्लेट करने से पहले ये रेफरेंडम करवाएगा, ठीक है। तो लोगों के बीच में, ठीक है, लोगों से राय लिया जाएगा, ठीक है, कि आप किस तरह का संविधान चाहते हैं इस इश्यू पे, ठीक है। लोग अपने में विचार विमर्श करेंगे, ठीक है, और लोग जो सुझाव देंगे उसको पास किया जाएगा, ठीक है, उसको मान्यता दिया जाएगा, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। और उसको पास कराना ही होगा, वो बाइंडिंग होगा, जो भी लोगों के द्वारा जो भी प्रपोज किया गया कानून, ठीक है, रेफरेंडम के आधार पर उसको लेजिस्लेचर को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो रेफरेंडम्स आर अल्टीमेट टूल फॉर द रनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। Referendums are the procedures by the
गवर्नमेंट अथॉरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी और सिमिलर अथॉरिटी See, referendums are the ultimate tool for running of the direct democracy. ठीक है, direct democracy जहां पे है वहां पे ये सारे tools जो है, ठीक है, instruments है ये, ठीक है। तो जहां भी direct democracy है वहां पे use होता है referendum का, plebiscite का, initiative का और recall का, ठीक है। तो referendum में क्या होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है सो पावर एम्पावर कर दिए किसको, सिटीजन्स को, ठीक है। अगर कोई मैटर उठा, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव इश्यू हो, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर एलाइज हुआ तो वो लोगों से, लोगों का राय जानने के लिए, ठीक है, लोगों का वोट लेती है, ठीक है, वोटिंग करवाती है लोगों से, ठीक है, और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचती है, ठीक है। और वो जो वोटिंग का जो रिजल्ट होगा वो बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट को वो मानना ही पड़ेगा। अगर मेजोरिटी वोट अगर किसी खास डिसीजन के पक्ष में है तो वैसा उनको करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, वैसा रूल बनाना होगा उसके पक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजन्स को वोट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ठीक है, किसी इश्यू पे, ठीक है। तो ये एम्पावर, सिटीजन्स को एम्पावर करने का एक टूल है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें और भी है जो मैं अभी डील करता हूँ, ठीक है। रिफरेंडम जो है सो इसका डेफिनेशन जो है वो ये कहता है कि रिफरेंडम्स आर द टूल्स फॉर द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि रिफरेंडम एक ऐसा औजार है, मतलब एक ऐसा हथियार है जिसके बल पे नागरिकों को ये अधिकार मिलता है कि वो संविधान को बदल सके चाहे गवर्नमेंट को बदल सके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेशन जो चलता है रेफरेंडम का वो ये है कि वोट ऑफ द सिटीजन्स, वोट ऑफ द सिटीजन्स टू चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, प्लेबिसाइट क्या है, वोट फॉर, वोट बाय द सिटीजन्स, ओके, नॉट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्लेबिसाइट में क्या होगा कि वोटिंग होगा सिटीजन्स के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। प्लेबिसाइट मैं अभी डील करूंगा, ठीक है। मैंने रेफरेंडम के लिए कहा है, ठीक है। रेफरेंडम का जो डेफिनेशन है वो ये है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के सेंस में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए भी वहाँ पर रेफरेंडम्स किया जाता है, ठीक है। और इंडिया में, इंडिया में रेफरेंडम्स का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। इसको रेफरेंडम अलाउ नहीं किया जाता है इंडिया में, ठीक है, अलाउड नहीं है क्योंकि ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो इंडिया के लिए रेफरेंडम नहीं है, ठीक है। फिर लेकिन रेफरेंडम्स का यूज इंडिया में दो बार हुआ है, ठीक है, वो मैं अभी डील करता हूँ, ठीक है। सो देखिए इंडिया में दो बार रेफरेंडम्स का यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन ये एक प्रोसीजर इंडिया में नहीं है जिसको फॉलो किया जाए, ठीक है। तो रेफरेंडम का यूज इंडिया में दो बार हुआ है, ठीक है। एक बार मतलब जब इंडिया का पार्टीशन होने वाला था, मतलब जब आजाद हुआ कंट्री, तो इंडिया का जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के दरम्यान, ठीक है, इंडिया दो भाग में जो विभाजित होना था, एक हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया इंडिया। तो उस क्रम में क्या हो गया
कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, इसके लिए रेफरेंडम कराया गया था, ठीक है। और दूसरा था कि हमारा जो ये सिक्किम है, सिक्किम ये एक मोनार्की था, यहाँ पे सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री था जहाँ पे मोनार्की था, ठीक है, राजा का रूल था, तो उस मोनार्की को ख़त्म करने के लिए सिक्किम में रेफरेंडम कराया गया, ठीक है, और लोगों ने मोनार्की ख़त्म करने के पक्ष में अपना मत दिया, ठीक है। तो वहाँ पे सिक्किम से मोनार्की ख़त्म होके और वहाँ पे मतलब क्या किया गया, सिक्किम को इंडियन स्टेट के रूप में मान्यता दिया गया, ठीक है, भारत में इसका विलय हुआ और इसको इंडियन स्टेट के रूप में मान्यता दिया गया, ठीक है। तो रेफरेंडम यहाँ पे दो जगह यूज हुआ इंडिया में, ठीक है, एक 1948 में मतलब कह सकते हैं जब देश आजाद हुआ तब, और दूसरा यहाँ पे मतलब सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम को मर्ज करने के लिए, विलय करने के लिए। और रेफरेंडम जो एक टूल है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसको, प्लेबिसाइट को, ठीक है। देखिए ये जो प्लेबिसाइट है, ठीक है, इसका क्या यूज है, कैसे यूज होता है, प्लेबिसाइट जो है सो सिटीजन के द्वारा स्वयं नहीं लाया जाएगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो जिस रीजन पे चलाया जाए वो कंट्री या वो रीजन जो है सो डेमोक्रेटिक ही हो, लोकतंत्र ही हो, जरूरी नहीं कि वहाँ पे लोकतंत्र ही हो, ठीक है, ये मोनार्की में भी चल सकता है, ठीक है, या किसी अदर फॉर्म का अगर गवर्नमेंट है तो वहाँ पर भी प्लेबिसाइट कराया जा सकता है, ठीक है। ये जनरली कराया जाता है किसके लिए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह कोई है, जमीनी विवाद अगर कुछ है, ठीक है, जैसे कोई स्टेट है वो अपने को अलग करना चाहता है, ठीक है, या कोई मतलब कंट्री ही है अपने में बंटवारा चाहता है या कोई अलग कंट्री बनाना चाहता है, तो वहाँ पे प्लेबिसाइट कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि कई बार आयरलैंड और इसके स्कॉटलैंड का विवाद इसके इंग्लैंड के साथ आया है, ठीक है, वहाँ पे कई बार हुआ है कि भाई हमको अलग करो, इस तरह का विवाद उठा है, तो वहाँ के लिए ठीक है, ठीक है, कभी रेफरेंडम करा लिया जाता है, कभी प्लेबिसाइट करा लिया जाता है, ठीक है। और फिर तो प्लेबिसाइट में क्या है, जनरली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो It is the right reserved to citizens to get their opinion. Get their opinion on any matter of public importance, especially.
स्टूडेंट माइट बी एडवाइजरी और नॉट बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग। देखिए ये जो प्लेबिसाइट कराया जाएगा ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया जाएगा, ठीक है, सिटीजन्स का राय जानने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये खास करके क्या होगा, टेरिटोरियल डिस्प्यूट निपटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये भी टूल किसका है, डेमोक्रेसी का ही टूल है, ठीक है। लेकिन ये अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी जहाँ लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सोसाइटी जो हो वो डेमोक्रेटिक ही हो, ठीक है। वैसे ये चारों कहाँ पे लगता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ठीक है, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे है, ट्रू डेमोक्रेसी जहाँ पे है, लेकिन इसको कहीं भी इस्तेमाल कर किया जा सकता है प्लेबिसाइट को, और यूज होता है, किया नहीं जाता होता है, ठीक है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट इट कैन टेक प्लेस इन अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द रिजल्ट माइट बी एडवाइजरी, और इसका जो रिजल्ट होगा, परिणाम जो होगा वोटिंग का, वो एडवाइजरी होगा, ठीक है, जरूर वो बाइंडिंग नहीं होगा गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट चाहे तो ये जो वोटिंग का परिणाम है उसको लागू भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव, ठीक है। सी इनिशिएटिव में क्या है, दो ब्रांच, इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव में दो ब्रांच है। हम ऊपर वाला पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद एजेंडा रेफरेंडम देखेंगे, बहुत कम का डिफरेंस है दोनों में। पॉपुलर रेफरेंडम करते हैं, पॉपुलर रेफरेंडम, ये जो टूल है इनिशिएटिव का, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये लोगों से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो चीफ जो डिफरेंस है इन चारों में वो ये है कि इनिशिएटिव लोगों के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, सिटीजन्स के द्वारा, न कि गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा कि देखिए रिकॉल भी, और रिकॉल और इनिशिएटिव, ठीक है, ये दोनों लोगों के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। और प्लेबिसाइट और रेफरेंडम जो है, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट और या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है, लोगों का भी विचार जानने के लिए, ठीक है, कि लोगों की क्या विचार है। लेकिन यहाँ पे इनिशिएटिव और रिकॉल जो है ये दोनों सिटीजन्स के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, मतलब शुरुआत किया जाता है। जैसे कि अगर हम, मुझे कोई अधिकारी पसंद नहीं, रिकॉल का हम बात कर रहे हैं, अधिकारी कोई पसंद नहीं या उसका काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम फिर से इलेक्शन में जाएंगे, उसके खिलाफ फिर से वोटिंग करेंगे, उसके खिलाफ जिसको मैंने चुन के भेजा पहले, अगर वो इनएफिशिएंट है तो उसके खिलाफ हम फिर से इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। एक पिटीशन तैयार किया जाता है, पिटीशन, और उस पर लोगों का सिग्नेचर लिया जाता है, ठीक है, उस पिटीशन पे। अगर वो सिग्नेचर जो है सो जितना रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है सिग्नेचर लोगों का, तो उस अधिकारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ये हुआ रिकॉल। और इनिशिएटिव भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है, अगर कोई रूल है, ठीक है, अगर वो रूल मतलब कोई एक्ट है और वो एक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो लोग अपने से उसमें सुधार करने के लिए एक पिटीशन तैयार करेंगे, उस पर सिग्नेचर्स होगा, और वो सिग्नेचर्स अगर जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है, जितना मतलब कि जितना नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 5000 सिग्नेचर्स होने चाहिए, अगर 5000 हो गए, ठीक है, तो क्या होगा कि वो कानून में बदलाव किया जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये होता है इनिशिएटिव, तो बहुत कम का डिफरेंस है, लगभग ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे किसी ऑफिसर को वापस उसके पद से हटाने के लिए, और यहाँ पे किसी लॉ में चेंज लाने के लिए, या तो किसी लॉ को एमेंड करने या फिर नया कानून बनाने, ठीक है, जैसे कुछ सोशल कुछ समस्या है या फिर कुछ आर्थिक समस्या है और एक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नया एक्ट पारित करने के लिए लोग अपने में एक पिटीशन तैयार करेंगे स्वयं से, और उस पर सिग्नेचर्स किया जाएगा।
ठीक है, और उस सिग्नेचर्स को क्या किया जाएगा, उस पिटीशन को पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। अगर पार्लियामेंट में भेजा गया, पार्लियामेंट में ही भेजा जाएगा तो ये पॉपुलर सिटीजन्स हो गया, अगर सिग्नेचर हुआ तो। अगर सिग्नेचर्स नहीं हुआ ठीक है और सीधे समस्या है ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एजेंडा हो जाएगा ठीक है, कि हमारा चुनाव का ये एजेंडा है हम लोगों का ये, तो वो अलग चीज़। यहाँ पे पॉपुलर वोटिंग का आवश्यकता नहीं है, एजेंडा, इन दोनों में ये डिफरेंस है। मतलब पॉपुलर रिफरेंडम और एजेंडा रिफरेंडम में क्या अंतर है, कि पॉपुलर जो रिफरेंडम होगा यहाँ पे वोटिंग का आवश्यकता होगा, मतलब एक पेटिशन लिखाएगा और उसके बाद सिग्नेचर्स लोगों का चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया तो वो लॉ में अमेंड कर सकता है या लॉ इनेक्ट कर सकता है, ये नया कानून बना ले या फिर जो पुराना कानून है उसमें बदलाव कर ले ठीक है। और एजेंडा रिफरेंडम में क्या होगा, लोगों का समस्या होगा ठीक है, और समाधान के लिए ये लोग लेजिस्लेचर को कहेंगे ठीक है। यहाँ पे वोटिंग नहीं होगा, एजेंडा रिफरेंडम में वोटिंग नहीं होगा, ये चीफ डिफरेंस है दोनों का, मतलब पॉपुलर रिफरेंडम और एजेंडा रिफरेंडम का ठीक है। तो पॉपुलर रिफरेंडम ठीक है, इट इज the right to vote reserve for the citizens to straightforwardly constitutional or legislative matters से। पॉपुलर इनिशिएटिव कहाँ पे चलता है, एग्जांपल ओरेगन एक स्टेट है, ओरेगन एक यूएसए का स्टेट है ठीक है, स्टेट ऑफ यूएसए ठीक है। यहाँ पे पॉपुलर रेफरेंडम का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है ठीक है, तो ओरेगन स्टेट ऑफ यूएसए। और एजेंडा रेफरेंडम का जो है ठीक है सेम चीज है ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलर वोटिंग नहीं होगा। देखिए एजेंडा रेफरेंडम citizens having agenda informs the legislature or legislative assembly to act accordingly. Popular voting does not
पैक प्लेस। एग्जाम्पल में यूरोपियन यूरोपियन सिटीजन्स सिटीजन्स इनिशिएटेड रेफरेंडम। ठीक है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तो पॉपुलर रेफरेंडम में क्या होगा कि वोटिंग होगा लोगों के, तो एक पेटिशन तैयार किया जाएगा और वोटिंग होगा। अगर रिक्वायरमेंट मैच कर गया तो लॉ में या एक्ट में संशोधन हो सकता है, ठीक है, या नया एक्ट इनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ एजेंडा रेफरेंडम में क्या होगा, सिटीजन्स के पास अगर कुछ समस्या या कोई एजेंडा है, कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के को इन्फॉर्म करेंगे या उनके पास जाएंगे या पेटिशन तैयार करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलर वोटिंग नहीं होगा, लोगों का वोटिंग नहीं कराया जाएगा एजेंडा रेफरेंडम में। ठीक है, वोटिंग नहीं होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे होता है ये, यूरोपियन सिटीजन्स इनिशिएटेड रेफरेंडम। ठीक है, यूरोप में होता है ये। ठीक है, और यहाँ ये वाला जो है जहाँ पे वोटिंग होता है वो ओरेगन स्टेट है यूएसए का वहाँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिकॉल का। नेक्स्ट है हमारा रिकॉल। ठीक है, ये लोगों के द्वारा, ये दोनों इनिशिएटिव और रिकॉल मैंने बताया लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, लेकिन ये दोनों ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब लोगों के द्वारा नहीं है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा शुरुआत किया जाता है रेफरेंडम और प्लेबिसाइट। अब देखते हैं रिकॉल। इट इज द राइट गिवन टू सिटीजन ऑफ द कंट्री प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन व्हिच सिटीजन्स हैव राइट टू रिकॉल ए रिकॉल एन ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव इफ द citizens if the citizens are not satisfied with the works of concerned officer and the recall petition fulfills the required fulfills the required number of signatures। देखिए रिकॉल में मैंने क्या बताया कि रिकॉल पेटिशन जो लोगों के द्वारा तैयार किया जाएगा किसी को वापस बुलाने के लिए, ठीक है, पद से हटाने के लिए, तो उस रिकॉल पेटिशन में क्या होगा, अगर वो रिकॉल पेटिशन पे नंबर ऑफ सिग्नेचर्स जितना चाहिए लोगों का, ठीक है, मतलब सहमति, वो अगर मैच कर गया, ठीक है, तो उस ऑफिसर को वहाँ से अपने पद पर से हटना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द प्रीएम्बल। ओके, फॉर टुडे आई एम गोइंग टू एंड माय लेक्चर। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।